दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट, जो जैम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। कुछ कुछ ईयर ऐसे गए हैं कि उनमें एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, बट मोस्टली चांसेस रहेंगे कि एक क्वेश्चन आएगा और ईजी सा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज डेफिनेशन समझते हैं पहले। टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स सच दैट ईच कर्व ऑफ आइदर फैमिली इज orthogonal when intersect with other family of curves. Two families of curves such that each curve of either family is orthogonal when they intersect with other family of curves. In this case, each family of curve is orthogonal trajectories to the other family. इस केस में हम बोलेंगे जो फैमिली ऑफ कर्व्स है वो दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर्म कर रही है। बट क्या कभी ऐसा केस आ सकता है कि दोनों ही फैमिली आइडेंटिकल हो जाए? यहाँ पर हम बात करें कि टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स, अगर दोनों फैमिली सेम हो गई तो इफ बोथ फैमिलीज आर आइडेंटिकल देन वी से the family is self orthogonal. इस केस में हम बोलेंगे जो फैमिली है वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। बेसिकली जो ये पार्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का, ये बेसिकली पार्ट है फिजिक्स का। अगर आपने फिजिक्स में 12th क्लास में इक्विपोटेंशियल लाइंस पढ़ी है या ग्रेजुएशन में स्ट्रीम लाइंस पढ़ी है, आपने पढ़ी होंगी ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स पढ़ी है तो, और 12th में इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो जो उनका इरोटेशनल 2D फ्लो होता है वो भी हमेशा ऑर्थोगोनल होता है, वो हमेशा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फॉर्म करती है वहाँ पर। तो बेसिकली इसके जो मेन एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में है। बट यहाँ से हमें पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका आएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, अगर मोस्टली चांसेस है IIT जैम के एग्जाम में, बाकी और हायर एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, उससे लोअर लेवल के जो एग्जाम्स है BHU वगैरह उसमें आ सकता है, बट उनसे हायर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हमें अपने पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक क्वेश्चन कवर करना है। चलिए बात करते हैं, अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड करनी है तो वो फाइंड कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, से दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व्स, तो आपको एक ऐसी फैमिली फाइंड करनी है जिसका हर एक कर्व अगर इसके किसी भी कर्व को इंटरसेक्ट करे तो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना चाहिए। अज्यूम करते हैं कि दिस इज द फैमिली विच आर इंटरसेक्टिंग इट्स ईच कर्व टू ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि जो ये एंगल होना चाहिए ये 90 डिग्री होना चाहिए। और सिंपली अगर आप इस पॉइंट पर इसकी ऑर्थोगोनलिटी देख रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो इस लाइन का स्लोप होगा वो इसके स्लोप के साथ कुछ इस टाइप का रिलेशन देना चाहिए, m1 m2 = -1। ये आपने ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 12th क्लास में आप पढ़ के आए हो। अगर आप इस पॉइंट पर चेक कर रहे हो तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो आप ये टेंजेंट खींचोगे इसका जो स्लोप होगा, और इसी पॉइंट पर इस लाइन का जो स्लोप होगा से दिस इज, तो अगर इसका स्लोप dy/dx है या सिंपली m1 है तो जो इस लाइन का स्लोप होना चाहिए वो -k1/dy/dx या सिंपली -k1/m2 होना चाहिए, और अगर ये m है तो ये सिंपली -k1/m होना चाहिए।
और इन जनरल आप इसको M1 अज्यूम कर सकते हो, इसको M2 अज्यूम कर सकते हो, तो इन दोनों में ये रिलेशन आना चाहिए। बट ये तो बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट में, अगर आपके कर्व पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है, तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है तो जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है तो उसे याद होगा कि अगर आपके पास इस कर्व का स्लोप dr/dθ है तो इस लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो माइनस के r²dθ/dr होना चाहिए। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, पोलर कोऑर्डिनेट में आएगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब फाइंड करते हैं कि इसका मेथड क्या होगा फाइंड करने का, ये आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज वर्क कैसे करती है। चलिए समझते हैं, मेथड टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करने के लिए आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं होगी, हमेशा आपके पास एक फैमिली गिवन होगी। तो लेट एफ बी द फैमिली ऑफ द कर्व्स विच इज द फंक्शन ऑफ x, y, c इज इक्वल टू 0, वेयर c बी एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट और c बी एनी पैरामीटर। लिख सकते हैं c बी एनी पैरामीटर। तो आपको ऑर्थोगोनलिटी के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन उसके स्लोप को रिप्लेस करना पड़ेगा -1/n से। तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू गेट अ न्यू फंक्शन f' विच इज अ फंक्शन ऑफ x, y, y', c इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, वन इज दिस एंड द अनदर वन इज दिस। इसमें से c को एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेटिंग c, देन वी गेट अ न्यू फंक्शन c g विच इज अ फंक्शन ऑफ x, y, y' इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने इसको डिफरेंशिएट करा और सी को एलिमिनेट करा, बट अभी तक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की बात नहीं करी है। सो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हो जाएगी आपके पास से एच विच इज अ फंक्शन ऑफ x, y। अब y' को रिप्लेस कर सकते हैं -1/y' से इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट अ होल फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ दिस फैमिली। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास होल फैमिली आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपका जो कर्व है वो कुछ r, θ, c की फॉर्म में है और r, θ, a की फॉर्म में, वेयर a बी एनी पैरामीटर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट r dr/dθ, θ, a इज इक्वल टू 0। लेट दिस बी c'। यहाँ से अगेन आप a को एलिमिनेट कर सकते हैं और a को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास कोई नया फंक्शन आ जाएगा c g r dr/dθ θ इज इक्वल टू 0। अभी तक आपने इसके ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की बात नहीं करी है, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के लिए आप dr/dθ को रिप्लेस कर सकते हैं -r²dθ/dr से। सो आपके पास h आ जाएगा r -r²dθ/dr, θ इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ दिस कर्व, ऑफ द फैमिली ऑफ दिस कर्व। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पूरी की पूरी फैमिली मिल जाएगी उन कर्व्स की जो इसके हर एक कर्व को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस की जो फैमिली है उसकी आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड करनी है। एक बार देखते हैं लाइंस दिखेंगी कैसी। ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं 2D में। कुछ इस टाइप की लाइंस दिखेंगी आपको,
सो दिस इज द फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. इनकी जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एम एक्स होगी, वेयर m इज अ पैरामीटर एंड m रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द एवरी लाइन. अब जैसे जैसे स्लोप चेंज करते जाएंगे आपके पास लाइन्स की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, या कह सकते हैं आपके पास नई नई लाइन्स मिलती जाएंगी. सो दिस इज द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. व्हाट इज y डैश? सो सिंपली m, m को एलिमिनेट कर सकते हैं तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू y बाय x. रिप्लेसिंग फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, रिप्लेसिंग y डैश विद माइनस के 1 बाय y डैश, सो यू गेट y y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0 के पास ये आ जाएगा. अगेन अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट होल फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ दिस फैमिली ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c. सो दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व्स विच आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज टू दिस फैमिली, एंड दिस इज सिंपली द फैमिली ऑफ द सर्कल्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन. अगर आपके पास ये फैमिली है तो इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की फैमिली है, दिस इज द फैमिली ऑफ द सर्कल्स विच आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज टू दिस फैमिली. तो ये उस टाइप के फिगर हैं जो आपने बुक्स में देखे बट आप उनको पढ़ के हमेशा स्किप करते हो. आप देखते हो ये क्या अजीब सा बना रखा है, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज है. अगर आप देखोगे जैसे इसकी बात करोगे तो इसका जो स्लोप होगा वो कुछ ये होगा और इसका स्लोप ये होगा, तो इनका जो स्लोप होंगे वो हमेशा ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, या जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. आप वेरीफाई कर सकते हो बाय दिस एक्सप्लेनेशन. ये मीनिंग है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज का. तो अगर जैम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका हमेशा बन जाएगा, कितना भी टफ क्वेश्चन बने बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. यहाँ तो हम कर्व को ड्रॉ कर पा रहे हैं, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आप कर्व को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बट वो मैटर नहीं करता. वो क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछेंगे आपसे कि आपसे वो थ्योरी से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी भी उसके ग्राफिकल अप्रोच पे नहीं जाएंगे. आप इन जनरल किसी भी फैमिली को देख करके बता नहीं सकते कि इसके जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज की फैमिली है वो कोई नोन फैमिली होगी. अभी तक कोई भी क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट पे नहीं पूछा गया है. अब इसको चेंज कर दें, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स सी आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा. तो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट में गिवन है, आप पोलर कोऑर्डिनेट के ग्राफ तभी बना पाएंगे जब आपने इसकी प्रैक्टिस करी, अदरवाइज आप इसको कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए आपको वेक्टर कैलकुलस में बताया कि आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करने हैं, और इंटीग्रल कैलकुलस के भी स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास पोलर ग्राफ्स हैं तो उनको ड्रॉ कैसे करना है. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वेक्टर कैलकुलस का और इंटीग्रल कैलकुलस का, बट हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड करने में, ना कि इसका ग्राफ देखने में. चलिए, व्हाट इज डी आर बाय डी थीटा? दिस इज सिंपली ए टाइम्स साइन थीटा. यहाँ पर मेंशन होना चाहिए ए बी अ पैरामीटर. हो सकता है वो ग्राफ को चेंज करके थीटा को पैरामीटर बनाए, तब अलग चीज़ हो जाएगी. तो ए बी अ पैरामीटर, डी आर बाय डी थीटा आ गया आपके पास. ए को एलिमिनेट करेंगे तो वी विल गेट डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए की जगह आर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. रिप्लेस करते हैं फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, रिप्लेसिंग डी आर बाय डी थीटा विज माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर. सो वी गेट माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. यहाँ पे साइन थीटा भी आएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस की डी आर बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा. ये आ जाएगा आपके पास, एंड इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब इंटीग्रेट करना आपका काम है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं.
सिंस माइनस के आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा एंड माइनस के डी थीटा बाय डी आर इसको यहाँ पर ले गए, इसको यहाँ ले आए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे, माइनस के डी आर बाय आर इज इक्वल टू, या तो आप इसको कोसेक थीटा बना लीजिए माइनस कॉस थीटा, या सिंपल है कि वन माइनस कॉस थीटा को आप रिप्लेस कर सकते हैं वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से, तो यू गेट साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू से, आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा बाई टू डी थीटा विच इज सेम एज टेन थीटा बाई टू डी थीटा। अब इंटीग्रेट करना आसान है, तो दिस इज माइनस के लॉग ऑफ आर, या माइनस को उधर ले जाइए तो दिस इज लॉग ऑफ आर, और माइनस के टेन थीटा बाई टू डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग ऑफ कॉस थीटा बाई टू इंटू टू हो जाएगा, प्लस में सम कॉन्स्टेंट से लॉग ऑफ सी, ये हो जाएगा। और फॉर सिंप्लिसिटी अगर आप इसको लॉग टू सी कर देंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में, बाकी कोई मैटर नहीं करेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। एंड इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या दिस इज द फैमिली, यहाँ पर आप चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को रिप्लेस कर सकते हैं कॉस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व्स विच आर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ दिस फैमिली। तो अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज़ का याद रखना है। यहाँ पर मोस्टली कन्फ्यूजन होता है कि आपको डी आर बाई डी थीटा को किससे रिप्लेस करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर पैरामीट्रिक अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स इज सेम एज माइनस के डी एक्स बाई डी वाई, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होना है, इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। अब आपको असाइनमेंट गिवन है, असाइनमेंट में आई आई टी जैम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो वहाँ पर मैंशन है। और आज आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो चुका है, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो खत्म हो चुका है। तो आपको तीन चार जितने भी असाइनमेंट मिले हैं आप उन सबको सॉल्व कर सकते हैं ताकि हम अच्छे से उसको डिस्कस कर सकें। आपको वीडियो सॉल्यूशन सबका मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको शेड्यूल गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।